नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई का डबल झटका, सीएनजी पीएनजी की कीमत में फिर बढ़ोतरी। सीएनजी के दाम में 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी के दाम में 1.5 रुपये प्रति एससीएम की हुई बढ़ोतरी। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को मतदान, 8 को रिजल्ट। राजस्थान में छा सकता है अंधेरा, बिजली बनाने वाले 23 थर्मल स्टेशनों में से 11 ठप। पंजाबी भाषा की जानकारी होगी तभी मिलेगी सरकारी नौकरी, भगवंत मान कैबिनेट का फैसला। डीजल की पुरानी कार लेकर दिल्ली में आए तो देना पड़ेगा 20,000 का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। हरियाणा में बन रही 20 लाख मीट्रिक टन फल सब्जियों की क्षमता वाली मंडी, किसानों की बढ़ेगी आय। अगर गुजरात आना बंद कर दे तो सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी से मिला है ऑफर। हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 1500 रुपये देने और गाय का गोबर खरीदने का वादा। पीएम मोदी ने कहा नारी शक्ति को मजबूत करने में 130 करोड़ भारतीयों की जीत, बालिका शिशु मृत्यु दर में आई कमी। मेरी और मेरे पिता की गलती है, हमने आग बंद कर भरोसा किया, आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को मिलेगा 36 आरक्षण, धामी सरकार बनाएगी कानून। हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर से कांग्रेस परेशान, कमजोर सीटों पर विशेष फोकस। अनुराग ठाकुर बोले भाई बहन में पट नहीं रही, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका नहीं हुई शामिल। हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में भी लगेगा ब्लैक बॉक्स, हादसे के बाद दूसरे को दोष देना नहीं होगा आसान। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ट्रांसफर किए 8,13,00,000 रुपए। रिजिजू की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को नसीहत, अपनी सीमा ना लांघे, सरकार पर छोड़ दे देश को चलाने का काम। किसानों के लिए बड़ी खबर, एमएसपी पर पराली खरीदने की तैयारी, कमेटी गठित। कब सुधरेंगे पंजाब, हरियाणा और यूपी, करोड़ों खर्च करने के बावजूद बढ़े पराली जलाने के मामले। हिमाचल प्रदेश में मोदी बोले रक्षा सौदे के नाम पर कांग्रेस ने दलाली की, हिमाचल की वीर माताओं ने झेला नुकसान। बंगाल में सीएए को लेकर घमासान, समर्थन में उतरी बीजेपी, ममता ने भरी विरोध की हुंकार। 370 हटने का दिखने लगा है असर, पर्यटकों को खूब भा रहा जम्मू कश्मीर, आजादी के बाद पहली बार पहुंचे 1.62 करोड़ टूरिस्ट। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से हताश मुंबई के ऑटो टैक्सी वाले, कहा हम तो चले गांव। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा भारत, सेना ने 5 मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। स्मार्टफोन का माता पिता पर असर, दिन में 4 घंटे मोबाइल चलाने वाले पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी ज्यादा डांटते हैं। गुजरात का आदिवासी इलाका है कांग्रेस का गढ़, इसे जीतने के लिए भाजपा कर रही जीतोर मेहनत। आपसी कलह बर्दाश्त नहीं, एकजुट होकर लड़े पंचायत चुनाव, अभिषेक ने टीएमसी नेताओं को चिताया। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, आईफोन के बाद अब एयरपोर्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की योजना। उत्तराखंड में हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, एमपी के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रही फंगल डिजीज, WHO ने इंसानों के लिए बताया खतरा। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। छात्रों से 15 मिनट पहले पहुंचे शिक्षक, क्लास से गायब हुए तो कटेगा वेतन, योगी सरकार का फरमान। हिमाचल में बीजेपी का महाजन संपर्क आज, घर घर आएंगे शाह नड्डा समेत कई दिग्गज। अजीत पवार का दावा, शिंदे सरकार से अन्नदाता परेशान, महाराष्ट्र में रोज 3 से 4 किसान आत्महत्या को मजबूर। विदेशी मुद्रा भंडार में बीते एक साल की सबसे तेज बढ़त, $6.5 अरब से ज्यादा बढ़ गया रिजर्व। बिना स्मोकिंग किए 20 से 24 सिगरेट के बराबर धुआं खींच रहे दिल्ली एनसीआर वाले। प्रशांत किशोर बोले मैं नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही वो मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। भारत ने यूएन में उठाया नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण का मुद्दा, कहा है शांति और सुरक्षा के खिलाफ। पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र ने दिए 3,000 करोड़, नहीं खर्च कर पाई राज्य सरकारें। विश्व बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान, कहा दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी बेहतर है हालात। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर के लिए जल्द ही आवंटित होगी जमीन, सीएम और डिप्टी सीएम ने किया ऐलान।
कांग्रेस गुजरात चुनाव में 5 सीटें भी नहीं जीतेगी, अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी। यूपी का हर बच्चा होगा होशियार, सरकारी स्कूलों में चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। कैंडिडेट नहीं केवल कमल को याद रखो, जब इसे देखो तो समझो कि मोदी जी आपके पास आए थे, हिमाचल में बोले पीएम। बिहार हॉस्पिटल गांव के मुखिया को मिलेगी नई जिम्मेदारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति का किया जा रहा गठन। गुजरात सरकार 5 रुपए में मजदूरों को देगी भरपेट खाना, मिलेगी होम डिलीवरी की भी सुविधा। केजरीवाल से हयात होटल में हुई थी मीटिंग, 50 करोड़ रुपए भी दिए थे, सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा एक और लेटर बम। लंपी वायरस का छत्तीसगढ़ में बढ़ा खतरा, सतर्क हो जाए पशुपालक, टीकाकरण का नहीं हो रहा असर। मेघालय में एनपीए के साथ गठबंधन जारी रखेगी भाजपा, पार्टी निर्धारित कार्यकाल को करेगी पूरा। चीन पर होगी बाद सी नजर, मिसामारी बेस पर बन रहा है हेलीकॉप्टर, प्रचंड का पहला स्क्वाड्रन। मनरेगा पर तकरार, सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र ने ममता सरकार को दिए करीब 1000 करोड़। देश में पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, जल्द ही एनपीएस के तहत होगी रिटर्न मिलने की गारंटी। एक मौका दो भाई बनकर परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा, गुजरात की जनता से केजरीवाल की अपील। केंद्रीय मंत्री बोले मुफ्त रेवड़ियां बांटने का वादा कर रहे कुछ राजनीतिक दल, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने खुलेआम कहा हमने रूस को ड्रोन सप्लाई किए, बौखलाया अमेरिका। कोरोना की उत्पत्ति का जल्द ही सुलझेगा रहस्य, महामारी से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। प्रोडक्ट पर अगर नहीं है बनाने वाले देश का नाम तो ई कॉमर्स पोर्टल होगा जिम्मेदार, लग सकता है जुर्माना। ऊसा डिकम्पोजर से 2 समस्याओं का होगा समाधान, खत्म होगी पराली और बन जाएगी खाद। चेन्नई मेट्रो के फेज 2 में बिना ड्राइवर चलेगी ट्रेन, सिग्नल आधारित सेवा पर तेजी से हो रहा काम। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, AQI 400 के पार, सिरदर्द और आंखों में जलन से लोग बेहाल। 5G टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा भारत, रूस समेत कई देशों ने 5G सेवाओं में मांगा सहयोग। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो डीजल की पुरानी कार लेकर दिल्ली में आए तो देना पड़ेगा 20,000 रुपए का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने लागू किए नियम। जी हाँ, दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते केंद्र सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने BS4 इंजन वाले डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी है। साथ ही मीडियम गुड्स व्हीकल्स और हेवी गुड्स व्हीकल्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि CNG ट्रक पर छूट है, इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है। राजधानी में इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में भी लगेगा ब्लैक बॉक्स, हादसे के बाद दूसरे को दोष देना नहीं होगा आसान। जी हां, हादसों की सही पड़ताल और रिपोर्ट हासिल करने के लिए ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह ही ब्लैक बॉक्स लगाया जा रहा है। ट्रेनों के हिसाब से थोड़ा फेर बदल कर इसे डिजाइन किया गया है। रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर जोन को लोको कैब वॉइस एंड विजुअल रिकॉर्डर लगाने की अनुमति दी गई है। पहले चरण में करीब 3000 डिवाइस लगाए जाएंगे, आगे सभी ट्रेनों में लगाने की तैयारी है। LCVR को इंजन में लगाया जाएगा, इसे ट्रेन हादसों को रोकने और सफर को आसान बनाने में मदद मिलेगी। लगातार कई हादसों के बाद उनके कारणों की पड़ताल करने वाली टीम के सामने प्रमाण को लेकर दिक्कतें आ रही थी। ऐसी कई घटनाओं के बाद रेलवे ने हवाई जहाज की तरह ब्लैक बॉक्स लगाने का निर्णय लिया, जिसके बाद LCVR डिवाइस तैयार किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई का डबल झटका, CNG PNG की कीमत में फिर बढ़ोतरी। जी हाँ, महानगर गैस लिमिटेड ने CNG और पाइपलाइन वाली गैस यानी PNG के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। सरकारी नियंत्रण वाली गैस कंपनी ने CNG के दाम में 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम और PNG के दाम में 1.5 रुपए प्रति SCM का इजाफा किया है। CNG और PNG की बढ़ी हुई कीमत आज मध्य रात्रि से लागू होगा। MGL की कीमतें बढ़ाने का यह दूसरा मौका है। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर माह की शुरुआत में ही घरेलू गैस की कीमत वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 40% तक बढ़ा दिया गया था। इससे पहले अप्रैल में भी पहले छमाही के लिए गैस का दाम 110% बढ़ाए गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 1500 रुपए देने और गाय का गोबर खरीदने का वादा। जी हां, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया।
जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि फलों की कीमत बागवान ही तय करेंगे, साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाने की बात भी कही है। इसके अलावा मोबाइल वैन से हर गाँव में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का भी वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने पशुपालकों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीद करने का वादा किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।